क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिजली बिल मारेगा करंट, 12% बढ़ने की तैयारी। मध्य प्रदेश में बिजली का बिल करंट मार सकता है। बिजली कंपनियां 12% दाम बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए उसने राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली के दाम बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम करने वाली संस्था आम नागरिक मित्र फाउंडेशन ने बिजली दर की वृद्धि के संबंध में बताया कि इस बार बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश की गई अपनी याचिका में थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 12% इजाफे का प्रस्ताव रखा है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बिजली कंपनियों ने बिजली के रेट में सिर्फ 1.5% की वृद्धि प्रस्ताव की थी और इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग को याचिका प्रस्तुत की थी। लेकिन 2 माह बाद जैसे ही 23 मई को लोकसभा चुनाव समाप्त हुए तो तत्काल 25 मई को इस सरकारी बिजली कंपनियों ने पूर्व की याचिका में संशोधन कर बिजली के रेट में 12% की वृद्धि करने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश किया है। आम नागरिक मित्र फाउंडेशन ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बिजली के रेट 1.5% से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। अब ये बिजली कंपनियां 2 महीने के बाद जब 23 मई को लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो तत्काल उन्होंने 25 मई को जो 1.5% रेट जो बढ़ाने का तय किया गया था उसके जगह पर उन्होंने 12% रेट बढ़ाने का उन्होंने प्रस्तावित किया था और ये प्रस्ताव उन्होंने एक संशोधित याचिका बनाकर मध्य प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। अब स्थिति यह है कि देखिए, आप गर्मी के दिनों में साधारणतः प्रत्येक परिवार के घरों में कूलर चलता है, फैन चल रहा है और बिजली के जो खपत है वो लगभग बढ़ जाती है। तो यदि मान लीजिए 12% का चुनाव 12% का यदि रेट बढ़ता है और उसकी अनुमति विद्युत नियामक आयोग देती है तो ये जो बिजली की खपत बढ़ी हुई है उसके आधार पर लगभग 300 से लेकर 400 रुपया प्रति माह ये अतिरिक्त लोड, अतिरिक्त भार प्रत्येक परिवार पर पड़ने वाला है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, इसका विरोध हम लोगों ने तय कर डाला है। नंबर एक, हम लोग विद्युत नियामक आयोग के सामने जाकर उसका विरोध करेंगे, उनके समक्ष अपनी याचिका दायर करेंगे कि इसका विरोध करेंगे। और नंबर दो कि हम लोग बाद में यदि विद्युत नियामक आयोग यदि इसके ऊपर अपनी स्वीकृति फिर से देता है। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।